हेलो दोस्तों, मैं हूं कफील अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर एमबीए करना चाहते हैं जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है और रेगुलर और डिस्टेंस मोड दोनों के, उसके इंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ में हमें कौन सा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट हम इस इंट्रेंस को क्लियर कर सकें, और जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जो कि जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होता है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ऐसा प्लेसमेंट है यूनिवर्सिटी का, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। रिसेंटली ही जामिया ने जो कंडक्ट किया है इंट्रेंस एग्जामिनेशन डिस्टेंस मोड के लिए, तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तो मैंने जाके एग्जाम भी इस बार दिया है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे एमबीए नहीं करना है, रीज़न ये कि मैंने ऑलरेडी एमकॉम किया हुआ है जामिया से ही, बट ये देखना था कि किस टाइप के क्वेश्चंस ये लोग फ्रेम करते हैं और थोड़ा जामिया भी घूमना था। तो जब मैं जामिया गया था तो जो सेंटर है वो जामिया स्कूल में पढ़ा था, तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पर वीडियो भी शूट किया था जाते समय, आते समय ज़्यादा तो नहीं कर सका बस थोड़ा सा। तो पहले आप एक छोटा सा ये स्कूल का जो मैंने कुछ क्लिप शूट किया वो आप देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरिया देख रहे हैं ये ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन का एरिया है। जनकपुरी वेस्ट ट्रेन आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जामिया जो एमबीए कराया जाता है वो, तो सबसे पहला एक जो हमारा रेगुलर होता है 2 इयर्स का फुल टाइम होता है, दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव जो कि पार्ट टाइम होता है, और तीसरा हमारा डिस्टेंस मोड होता है जो कि 2 to 5 ईयर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि डिपार्टमेंट जिसका जो सारी फॉर्मेलिटीज ये करता है
एडमिशन से लेकर एग्जाम कंडक्ट करना, वो है सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। तो इसके जो अंडर में आते हैं वो सारे जो स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस है, जिसमें आपको टोटल 40 सीट्स हैं, और आईबी इंटरनेशनल बिजनेस 60 सीट्स हैं यहाँ पे टोटल, और एमबीए फुल टाइम यहाँ पे 60 सीट्स है। तो इन तीनों का क्या होता है, एक कम्बाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है। और जो अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें यहाँ पे, तो एटलीस्ट 50% आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। जो हमारा पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव का जो 70 सीट्स है, तो यहाँ पे ये वर्किंग क्लास के लिए हो जाता है। आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये भी सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर में आता है। बट जो दो कोर्सेज हैं हमारा यहाँ पे, एमबीए ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जिसमें 40 सीट्स हैं, और दूसरा मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये इसका जो डिपार्टमेंट है हमारा टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको देखता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो परसेंटेज का है वो है कम है, 45% है। बट क्या है कि टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, एमबीए ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के लिए आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए टूरिज्म और रिलेटेड किसी भी फील्ड में। और जो मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, यहाँ पे 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटलिटी में, तो जाके आप एलिजिबल होते हैं इसमें। और दूसरा जो हमारा ये है कि डिस्टेंस मोड का, तो यहाँ पे 2 से 5 साल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स टोटल 250 है। और लास्ट में हमारा एक मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, और साथ में पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जिसका एक कम्बाइंड एंट्रेंस लिया जाता है। तो ये भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के अंदर में आता है। तो ये सारा करिकुलम था एमबीए से रिलेटेड और मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड, जो कि फुल टाइम, पार्ट टाइम और हमारा डिस्टेंस मोड का था। बस देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक्स है एमबीए का, एंट्रेंस सिलेबस का, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन, जिसमें क्रिटिकल रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज होते हैं। और फिर थर्ड में आपका डाटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, और चौथा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिफ्थ और लास्ट जो है करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आपको रेगुलर बोर्ड वाले एग्जाम में आपको 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें 170 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। बट डिस्टेंस वाले में क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टाइम जो मिलता है आपको 2 आवर्स मिलता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। तो सबसे पहले जो 3 चीज़ है यहाँ पे, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप इस चीज़ एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि जो पूरा क्वेश्चंस पेपर आते हैं वो उनका जो 4 सेक्शन है वो मेजर है, जैसे कि मैथ है या इंग्लिश है, फिर जीके और रीजनिंग है। तो मैथ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो कि 10th लेवल तक के ही होते हैं, ज़्यादा हायर लेवल तक नहीं पढ़ना है आपको। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये क्या है ना कि आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। और कभी कभी तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर आ जाता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन फटाफट कैसे हो, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम, चूँकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 3 आवर्स में 170 क्वेश्चंस आपको करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये और इन दोनों चीज़ों पे अच्छे से ग्रिप पाने के लिए आपको जो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर, जो अगर कोई रिलायबल सोर्स हो जहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अगर आप अरेंज कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं। देखो मार्केट में बहुत सारी बुक मिलती है, बट क्या है ना कि अब इतनी मोटी बुक है तो पूरा बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जब आपको क्वेश्चंस देखो ना प्रीवियस ईयर के, तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा ना जो अंदर चैप्टर्स वगैरह भरे पड़े हैं वो सब फालतू है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को, 10 ईयर का क्वेश्चंस देखो, फिर आपको ट्रेंड ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो मोटा मोटी जो क्वेश्चंस का ट्रेंड होता है वो कभी कभी जामिया क्या है कि हर साल अपना ट्रेंड पैटर्न चेंज करता है। बट मोस्टली जो सेक्शन है मैथ का, इंग्लिश का, जीके और रीजनिंग, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वो लोग देते हैं। कभी मैथ ज़्यादा हो सकता है, इंग्लिश ज़्यादा हो सकता है, कभी रीजनिंग ज़्यादा, कभी मैथ कम, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब जामिया में। तो ऐसा है कि आप मैथमेटिक्स के लिए 10th तक का जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करो, और फिर जो इंग्लिश है उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि लिटरेचर टाइप का जो चीज़ है आपको इंग्लिश बेसिकली अच्छी रखनी है, कि आप स्टेटमेंट को पढ़ करके और उसके ऑप्शंस को समझ सको, उस क्वेश्चंस को कहना क्या चाह रहा है। ओपिनियन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मैंने एग्जाम्स दिए थे
डिस्टेंस मोड में भी उसमें भी वैसा ही था। ओवरऑल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थे, फिर जनरल अवेयरनेस से थोड़ा बहुत दो चार क्वेश्चंस हिस्ट्री विस्ट्री से था, फिर उसके बाद करीब करीब 15 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे जो आपका इंग्लिश लिटरेचर पे काफी ज्यादा फोकस था कि तीन चार लाइन में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, फिर उसके बाद उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किया गया था, तीन चार ऑप्शन बनाया था, फिर उसको पढ़ के आपको अपने हिसाब से एक ओपिनियन जनरेट करना है प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल, एक आइडियल आंसर वहां पे आपको देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या है कि बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं, वहां पे कॉमन सेंस चाहिए, इंटेलिजेंसी चाहिए आपका बेसिकली। तो इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा यह है कि जीके के लिए आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, रिसेंटली जो दो तीन महीने का जो करंट अफेयर्स है वो सारा आप पढ़ लीजिएगा तो एनफ है। और फिर रीजनिंग के लिए तो वही है, इंग्लिश अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपका रीजनिंग सॉल्व हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, और प्रैक्टिस अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करते हैं तो हो जाएगा। जैसे कि अभी डिस्टेंस वाले में भी कुछ क्वेश्चन थे, उसमें एक रिलेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि उसका वो बेटा है उसकी माँ है तो ऑप्शन ये क्या होगा, फिर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इस बार डिस्टेंस वाले में मैथ से बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चंस नहीं था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट रहना, फुल्ली डिपेंडेंट आपको किसको फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो मेन जो है आपका प्रैक्टिस की रोल है यहाँ पे, जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स वगैरह जो है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मेजरली ये सारे चीज़ जो है अगर इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। फर्दर आप जब रेगुलर मोड वाले में रिटन क्लियर कर लेते हो तो आपको बुलाया जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। डिस्टेंस वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार रिटन क्लियर कर लो उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि पहले ग्रुप डिस्कशन में जो है एक बैच से 40 से 50 स्टूडेंट को कॉल किया जाता है, जहाँ पे 10% एट ए टाइम वन गो में आपको बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे एक, जैसा कि मैंने अपने दोस्तों से पूछा है तो जिन्होंने MBA किया है जामिया से, कि वो कुछ चीट सिस्टम रखते हैं, फिर वहाँ पे वो कुछ भी उठाओ जिस जो टॉपिक मिलता है, फिर आपको वहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ता है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है कि आपका क्वालिटी स्टफ मैटर करता है और कितना इनिशिएटिव आप लेते हैं, तो इसके बेस पे आपको वो लोग प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, जैसे ये 10 मार्क्स का होता है और ये 20 मार्क्स का 30 में। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि दो तीन लोगों को एक साथ बुलाया जाता है, जहाँ पे 4-5 टीचर्स होते हैं और आपके बैकग्राउंड से बेसिकली रिलेटेड क्वेश्चंस वो ज़्यादा करते हैं। और अगर आप जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से है तो उसमें क्या चल रहा है, या IT में है तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उसके बाद उसको रिलेशन करना होता है MBA कोर्स से कि आपका ये जो आपने कोर्स किया वो आपको MBA में कैसे हेल्प करेगा, या फिर आपने क्यों चूज़ किया MBA करना, यहाँ से आप खुद का वेंचर करना चाहते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है और आप कितने जेन्युइन हैं, उस चीज़ के बेस पे आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी GT और पर्सनल इंटरव्यू की। अब नेक्स्ट जो है वो प्लेसमेंट का है, तो जहाँ तक अभी तक ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ज़्यादातर वहाँ पे 60-70% कैंपस में ही हो जाते हैं, और जो मेजर वैकेंसीज होती है वो मार्केटिंग और सेल्स में होता है, फाइनेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने और भी जो दूसरे कॉलेज से भी बच्चे MBA किए हैं जो मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने बात की तो उनका भी यही कहना है कि फाइनेंस में थोड़ा सा कम जॉब का अपॉर्चुनिटी है, बट सेल्स डिपार्टमेंट में और मार्केटिंग में अच्छा खासा जॉब वैकेंसीज होता है। तो अगर छः जामिया के पैकेज की बात की जाए तो पर एनम 5-6 लाख उसका एवरेज जाता है, 10-12 पर लाख हाईएस्ट पैकेज आता है, और जो कट ऑफ है वो मेजरली 60-70% के बीच अगर आप स्कोर करते हैं तो सिर्फ रहते हैं अभी तक का जो है, बाकी वो डिपेंड करता है कि एंट्रेंस का लेवल कैसा है, कितना इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे कि अगर पिछले 2 साल में देखे रेगुलर में तो कुछ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, बट इस साल क्या 2020 में काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के जो कैट वाले क्वेश्चन होते हैं उन्होंने सीधा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया था यहाँ पे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन टू सिचुएशन, बट 60-70 एक आइडियल परसेंटेज होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आई होप अगर अच्छे आप इस बार अपेयर होने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई होप ये कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग MBA एंट्रेंस देने वाले हैं जामिया का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।